जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका स्वागत है। तो साथियों, आजकल हम लोग कर रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, इसी का प्रश्नावली है 4.2 का। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियोस नहीं देखा है, 1, 2, 3 वीडियोस नहीं देखे तो आई बटन में क्लिक करके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, लिंक पर पहले उस वीडियोज को देख लीजिए। तब 4 नंबर क्वेश्चन बनाने में आपको ज्यादा मजा आएगा, बहुत ही अच्छी टेक्निक के साथ मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करता रहता हूँ साथियों। तो क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। आपको कहीं भी क्वेश्चन कहेगा, क्रमागत का मतलब होता है लगातार और धनात्मक का कहने का मतलब कि प्लस में। यानी क्वेश्चन को फिर से देखिएगा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी दो क्रमागत यानी दो लगातार धनात्मक पूर्णांक हमको ज्ञात कर रहा है, जिसके वर्गों का योग यानी दो संख्या जो दोनों है दोनों को वर्ग करते हैं उसका योग कितना है, तो 365 है साथियों। इसको हम लोग किस प्रकार से पहले समझेंगे, तो दो क्रमागत कह रहा है तो दोनों को पहले मानेंगे, मानते हैं, माना कि पहली क्रमागत धनात्मक संख्या, पहली क्रमागत धनात्मक संख्या x, ठीक है, और दूसरी क्रमागत धनात्मक, और इसे संख्या छूट गया, धनात्मक संख्या इधर x है, इसका धनात्मक संख्या। तो क्रमागत कहने का मतलब कि लगातार, यानी एक वो संख्या एक लेते हैं तो अगला संख्या कितना लेंगे, दो, यानी इसमें एक जोड़ेंगे तो ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा दूसरी क्रमागत धनात्मक संख्या। अब प्रश्न से साथियों कह रहा है कि इसके वर्गों का योग, यानी इसका अगर जो हम वर्ग करते हैं उसका योग करते हैं तो 365 आता है। तो वर्ग करते हैं x का स्क्वायर पहला का, फिर x प्लस 1 का होल स्क्वायर करते हैं, तो साथियों क्वेश्चन कह रहा है कि कितना आएगा, तो 365 आएगा, यहाँ पे हमको कह रहा है क्वेश्चन। तो साथियों इसका स्क्वायर करेंगे x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर, अब देखिएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर में साथियों, तो साथियों a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग बखूबी जानते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर है। तो हमारे पास यहाँ पे दे दिया x प्लस 1 का, तो a के जगह पर a, यानी इसको चेंज करेंगे हम लोग, क्या, a के जगह पर x और b के जगह पर 1, तो x का स्क्वायर, फिर प्लस 2, a का मान x, b का मान 1, फिर b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, इसको हम लोग करते हैं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 हो जाएगा। ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको समझा दिया, हम तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर क्या हो गया, तो 365 हो गया साथियों। साथियों इसको करेंगे x और x, 2x का स्क्वायर फिर प्लस 2x प्लस 1, ये वाला प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 365 बराबर क्या हो गया साथियों, तो 0 हो गया। अब साथियों इसको हम लोग घटा लेंगे, क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस 2x और घटाइएगा तो माइनस में 364 बराबर क्या आता है साथियों, 0 आता है। तो साथियों यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ही क्या है कि देखिएगा ये संख्या सब में 2 से भाग लग जाता है, तो हम इसको भाग कर लेंगे, क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर 2 से हटाएंगे, इसमें का x, इसमें 2 से भाग करेंगे तो 182 आ जाता है बराबर 0। यहाँ हम लोग लिख देंगे कि 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, यानी क्योंकि हम लोग छोटा एक फॉर्मेट में आए हैं, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अब इसका हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट पर इसका गुणनखंड हम लोग करते हैं, क्या हमारे पास क्वेश्चन आ गया, इसको देखिएगा, यानी फर्स्ट इंटू लास्ट करने पर 182, और 182 को आप लोग किस प्रकार से तोड़ोगे कि हमें 182 आ जाएगा। तो अगर से हम 13 और 14 को तोड़ते हैं, 13 से 14 में गुना कीजिएगा, 13 चुके के 52 और 13, 182 आ रहा है, गुना करने पर 182 आ जाता है। और साथियों हमको कह रहा है कि प्लस में कितना चाहिए, तो प्लस में एक चाहिए, एक्स चाहिए, तो बड़ा वाला संख्या को प्लस में, छोटा वाला संख्या को माइनस में, 13 में से यानी 14 में से 13 घटाएंगे तो एक हो जाएगा, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे साथियों, क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x फिर माइनस में 182 बराबर साथियों हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन हो जाएगा एक्स, तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा साथियों, तो 14 हो जाएगा, और इसमें से कॉमन हो जाएगा 13, तो x प्लस यह 14 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा साथियों। साथियों यहाँ पे देखिएगा, ध्यान देने वाली बात है कि x प्लस 14 बराबर है, तो हमारा बनाया गया सही है, तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 14 एक बार, और फिर लिख सकते हैं x माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा साथियों, तो 0 हो जाएगा। तो इसमें करेंगे x प्लस 14 को किसके बराबर, तो 0 के बराबर साथियों, ये वाला संख्या प्लस में है इधर आएगी तो क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, यानी हमारे पास जो एक वैल्यू आ गया माइनस में हो गया,
और दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस 13 बराबर 0 है, यह माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो गया साथियों। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गए यहाँ पे, तो दो वैल्यू आ गए साथियों, तो देखिएगा यहाँ पे दो वैल्यू आ गए। तो हम आपको पहले कुछ वीडियोस में आपको बताया है कि जो वैल्यू प्लस में आएगा हमको धनात्मक कह रहा है क्वेश्चन, तो हम लोग धनात्मक को लेंगे और ऋणात्मक वाला संख्या को लेते हैं, निगेटिव संख्या किसी का होता नहीं है, पॉजिटिव को लेते हैं। यानी हमारे पास कितना आ गया, एक्स बराबर 13 है, इसी को हम लोग लेंगे। यानी हमारा पहली क्रमागत धनात्मक संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या, हम सीधे लिखते हैं पहली, लिखते हैं पहली क्रमागत धनात्मक संख्या। तो पहली क्रमागत धनात्मक संख्या लेते हैं x, यानी x बराबर 13, और दूसरी क्रमागत, और दूसरी क्रमागत धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या कितना हो जाएगा, x प्लस 13 है, यानी x प्लस 1 है, तो 13 प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो अतः लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, 13, 14 हमारे पास वह संख्या आ गया। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 है साथियों। तो मैंने पहले लिया कि पहली धनात्मक क्रमागत संख्या x है, दूसरा है उससे एक ज्यादा लेंगे x प्लस 1 हो जाएगा। अब कह रहा है कि दोनों का वर्गों का योग 365 हम लोग सोल्व करते हुए चल के यहाँ पे आए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 = 0 कब आया है, जब इसमें हम पूरा में संख्या में 2 से भाग किया है तब आया है। अब इसको हमको फर्स्ट इंटू लास्ट पर हम तोड़े हैं, तो एक्स का दो वैल्यू हमारे पास आया है, एक वाला आया है प्लस में, एक आया है हमारे पास माइनस में। तो किसी संख्या का धनात्मक वैल्यू ही हमें लिया जाता है, ऋणात्मक वैल्यू नहीं लिया जाता है। तो हम लोग लिए हैं एक्स बराबर कितना लिया है, तो एक्स बराबर 13 लिए हैं। तो पहली क्रमागत धनात्मक संख्या 13 हो जाएगा, दूसरी हो जाएगा x प्लस, यानी 13 प्लस 1 14, अतः हमारे पास जो संख्या है वो 13 और 14 है संख्या। ये आपको साथियों पूरी कंप्लीटली समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियोज को सभी दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, जिनका जिससे उनका ही भला हो सके। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आपको इस प्रकार से रेगुलर वाइज मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।